प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेटेस्ट एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील हम सबकी चहेती नाज़िया अली खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट दमदार और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत कहा जा रहा है ना, क्योंकि ये गैंगरेप की बात आ रही है, तो जो आसपास रहे होंगे पीड़ित डॉक्टर के, उनके उनसे तो पूछताछ करनी बनती है। तो ये तीन नाम जो आप बता रही हैं, क्या पता ये भी इस पूरे घिनौने कांड में शामिल रहे हों, डॉक्टर शहजाद और डॉक्टर आजम आप जो कह रही हैं, तो इनकी कहानी क्या पता चल रही है? क्या कहीं इनके वेयर अबाउट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है? जानकारी इनका नाम कोई ले रहा है तो नोटिस आ जा रहा है। ये इतने बड़े महत्वपूर्ण हो चुके हैं, ये इतने बड़े आदमी हो चुके हैं, ये एक लेडी डॉक्टर और दो मुसलमान डॉक्टर, कि इनका नाम लेने से नोटिस आ जा रहा है, कि आपने इनका नाम लिया क्यों? अब बात आती है कि जो नोटिस आ रहा है उसका रिप्लाई भी दिया जा रहा है जबरदस्त, कि आखिर क्यों नहीं लेना, ऐसा क्या है भैया उसमें लाल लगा हुआ। अब आपको स्ट्रैटेजी समझनी पड़ेगी इस राज्य की और ममता सरकार की, जो आपके व्यूअर्स को समझना बहुत जरूरी है। नासिर खान बलात्कारी जब वो बाहर आता है रेमिशन ग्राउंड पर, वो अंदर जेल में मोबाइल यूज करता है, वो अंदर जेल में अपनी लैविश लाइफ यूज करता है, वो अंदर जेल में जो जिंदगी की अय्याशियां होती हैं वो सब कुछ वो इस्तेमाल करता है, और जेल में भी जेल से वो फेसबुक पर अपनी तस्वीरें पोस्ट करता था, जेल के अंदर से वो फेसबुक इस्तेमाल करता था तो उसको नेट भी मिलता था। अब हर एक बलात्कारी जो रेमिशन ग्राउंड पर या बेल लेकर के एड एंट्री या एक्विटल होकर के जाता है, उन सब की एक जिहादी और जिहादी टीम और ग्रुप होती है। अब जो जो रेप के विरोध में बात करता है या रेप के अवेयरनेस पर छोटे छोटे वर्कशॉप करता है या रेप को लेकर के या नासिर खान को या ऐसे बलात्कारियों को लेकर के राज्य सरकार की आंखों में आंखें डाल करके बात करता है, उसके खिलाफ में ये बलात्कारी की टीम काम करती है उन लोगों को मलाइन करने के लिए। आप सिर्फ ज्यादा नहीं, सिर्फ दो वीडियो आप नासिर खान पर बनाइए, देखिए आपकी पूरी जिंदगी का शिजरा जो है वो सोशल मीडिया पर आ जाएगा। और आपकी तस्वीरों को मॉर्व करके, आपकी तस्वीरों को एडिट करके, गंदी गंदी आपकी तस्वीरें बना करके वो सोशल मीडिया पर वायरल करना स्टार्ट होगा। उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि पश्चिम बंगाल में बलात्कारी जो होता है उस पर कोलकाता पुलिस का और राज्य सरकार का कितना हाथ होता है, कि उसकी एक पूरी जिहादी मिशनरी काम करती है हर वो जुबान को बंद करवाने के लिए जो बलात्कार के विरोध में बात करता है इस राज्य में। अब आती है बात कि आज एक वीडियो और भी वायरल हुआ है अफसर अली खान का। अभी अफसर अली खान कौन है, रहस्य वाली बात है। आपसे जब मैं बात कर रही हूं तो अभी से 1 घंटा 23 मिनट पहले यह वीडियो वायरल हुआ है। अफसर अली खान जो है वो संदीप घोष जो पूर्व प्रिंसिपल थे और अभी तो सीबीआई के शिकंजे में हैं, इनके बाउंसर थे। और 2021 में जब संदीप घोष का ट्रांसफर आया, फिर 2022 में दो बार ट्रांसफर आया, फिर 2023 में ट्रांसफर आया, तो एक व्यक्ति जो है वो जिसका नाम आया कि अब तुम आर्टिकल के प्रेसिडेंट हो और तुमको बैठना है, वो जाकर के जोर जबरदस्ती चेयर पे बैठ ही गया कि भाई ये क्या है, जब भी ट्रांसफर आता है इसका ये जाता नहीं है और प्रेसिडेंट का रूम लॉक कर देता है और मुसलमान डॉक्टर से आंदोलन करवाता है, कुछ बिहारी डॉक्टर से आंदोलन करवाता है, क्या बात है। तो वो जाकर के बेचारा बैठ गया। अफसर अली खान जाकर के बजाफते कह रहा है कि मुझे मुख्यमंत्री ममता दीदी ने भेजा है, चलो उठो इस चेयर से उठो। वो वीडियो वायरल है, अभी तो न्यूज चैनल्स पे भी चल रहा है, सारे न्यूज चैनल्स पर चल रहा है, नेशनल न्यूज चैनल्स पर। उठो यहाँ से, यहाँ पर सिर्फ संदीप घोष बैठेगा, इसके अलावा कोई नहीं बैठेगा। तो सारे डॉक्टर्स की टीम पूछ रही है आप किसको भेजा, किसने भेजा है तुमको। बोलता है क्षमता अगर है, हिम्मत अगर है तो डायरेक्ट दीदी को फोन करो, दीदी को बोलो अफसर अली खान आया है, दीदी बोलेंगी हाँ मैंने भेजा है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, आप सारे नेशनल न्यूज पे चल रहा है, वो ये खुद बोल रहा है अफसर अली खान। तब आप बताइए कि दीदी की मिशनरी
सिर्फ और सिर्फ स्कैमबाजों को बचाने के लिए और बलात्कारियों और जिहादियों को बचाने के लिए। तब तो हेमंत बिस्वा सरमा ने सही कहा कि मियां भूमि बनने नहीं देंगे, तो भैया मियां भूमि बना करके तो दीदी ने पूरा मिनी पाकिस्तान ही बना दिया है इस राज्य को। फरहाद हकीम ने क्या बोला कि हम मिनी पाकिस्तान बनाएंगे कोलकाता को, दीदी ने सीरियसली ले लिया और मिनी पाकिस्तान बनाने लगी। कल जिस हिसाब से ममता बनर्जी ने कहा है मणिपुर लाल लाल आंखें करके, मणिपुर भी जलेगा, आसाम भी जलेगा, उत्तर प्रदेश भी जलेगा, मोदी बाबू दिल्ली भी जलेगा, कुर्सी हिल जाएगी, कुर्सी हिल जाएगी आपकी, कुर्सी हिल जाएगी, कुर्सी तो दीदी आपकी हिली हुई है। और जिस हिसाब से इस देश की प्रथम महिला, इस देश के राष्ट्रपति जी ने ये बोला है इनफ इज इनफ, और उन्होंने जो दृश्य दिखाया है इस राज्य की महिलाओं को, उन्होंने कहा है कि वो तो उनको भी डर लग रहा है, तो इसका मतलब है कि अब राष्ट्रपति महोदय के, महामहिम राष्ट्रपति के दिमाग में ये बात आ रही है कि आर्टिकल 356 के हिसाब से पश्चिम बंगाल में अब प्रेसिडेंशियल रूल लग जाना चाहिए। पर नाजिया जी, जब शुरुआत से ममता बनर्जी संदीप घोष को बचा रही थी, तभी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ममता बनर्जी सिर्फ अपने मुस्लिम वोट बैंक को ही बचाती हैं। अगर हम लोग संदेश खाली में शाहजहां शेख को देखें तब भी समझ में आ रहा था। अब आपने जो तीन चार नाम गिनाए हैं, एक महिला डॉक्टर का, दो पुरुष डॉक्टर, जो ये तीनों के तीनों एक विशेष समुदाय से ही आते हैं, तो अब समझ में आ रहा है कि ममता बनर्जी को इतनी मिर्ची क्यों लगी हुई है, क्योंकि एक सिर्फ वो अदना सा संजय रॉय, उसको बचाने के लिए ममता बनर्जी इतना बड़ा जोखिम लेंगी कि अपनी कुर्सी उनकी हिल गई है, ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अब आप जो एंगल बता रही है उसमें समझ में आ रहा है कि वो किसको बचा रही है, अपने वोट बैंक को बचा रही है। पर यहाँ पर किस तरह की साजिशें होती थी, क्योंकि खबरें तो ये भी आ रही है ड्रग्स का रैकेट चलता था वहां पर, कोई सेक्स स्कैंडल चलता था वहां पर, कहीं ना कहीं इस जिस्म का कारोबार भी होता था, ये सारी बातें आ रही है ढपी छुपी। तो क्या ऐसी बातें आप तक भी पहुंच रही है? आप तो लॉयर हैं, आपसे तो बहुत सारे डॉक्टरों ने आकर आपके केबिन में मुलाकात भी की थी, वो डॉक्टर जिनको ममता बनर्जी डरा धमका रही हैं, नोटिस भेज रही हैं, उन्होंने कुछ बताया आपको? देखिए, मैं किसी का नाम तो रिवील नहीं करूंगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत मलाइन हो रही हूँ नासिर खान बलात्कारी के मिशनरीज से, ऑलरेडी बहुत मलाइन हो रही हूँ मैं, इसलिए मैं किसी भी महिला डॉक्टर को या पुरुष डॉक्टर को इस चीज में मैं नाम रिवील करके बिल्कुल भी उनकी जिंदगी दोभर नहीं करना चाहूंगी। देखिए, इसको समझने की जरूरत है। ममता बनर्जी जब फर्स्ट डे उन्होंने मिचल किया था अपनी पूरी महिला और पूरे टीएमसी के नेता मंत्रियों को लेकर के, तो मंच पर चढ़ने के बाद उन्होंने एक बात कही थी जिस पर शायद बहुत लोगों ने गौर नहीं किया। उन्होंने कहा था, कृपया करे, दया करे, एक मामला के कॉम्युनल कोर्बेन ना, मतलब इस मामला को कम्युनल मत करिएगा। तो उस एक टॉपिक को मैंने पकड़ा और मैंने सोचा, जिसका रेप हुआ वो भी हिंदू, जो रेप किया वो भी हिंदू, संदीप घोष वो भी हिंदू, जिस डेप्यूटी सुपर ने फोन किया कि सुसाइड कर ली है या शरीर खराब है वो भी हिंदू, तो फिर दीदी के मुंह से ये क्यों निकला कि कॉम्युनल मत करिएगा? और तब फिर धीरे 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 पर्दा उठता चला गया कि यहाँ तो तीन मुसलमान भी हैं, और क्या पता कि वही मेन आरोपी है, क्या पता कि सारी स्ट्रैटेजी उन्हीं की होगी, क्या पता कि सारा गेम प्लान उन्हीं का होगा, क्या पता कि उन्होंने भी रेप किया होगा, क्या पता महिला डॉक्टर ने हाथ पकड़ा होगा और कहा होगा शहजाद जी आइए रेप कीजिए, क्या पता, कुछ पता नहीं है ना, लेकिन डाउट तो आता है। और एक मुख्यमंत्री के मुंह से ये बात क्यों निकलेगी? भाई हम तो मुख्यमंत्री नहीं, लेकिन हम जब कैमरा के सामने आते हैं तो अपने दिमाग में अपनी शब्दावली को पहले घुमा लेते हैं कि हम क्या बोलने जा रहे हैं। बिल्कुल, बचपन से हमें सिखाया जाता है कि पहले तोलो और तब बोलो। तो एक मुख्यमंत्री एक राज्य की, और वो भी इतने बड़े राज्य की, और तीसरी बार चेयर पर बैठने वाली, और इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री को आंखें दिखा करके बात करने वाली के मुंह से ये स्लिप ऑफ टंग हुआ कैसे? तब वहां से रहस्य जो है वो खुलता चला गया, और तब ये तीन मुसलमान डॉक्टरों का नाम आया जो कहीं दिखाई नहीं दे रहे पर प्लेस ऑफ इंसिडेंट पर थे और टाइम ऑफ इंसिडेंट पर थे, उनकी ड्यूटी थी उस वक्त जिस वक्त ये घटना हुई है, तो अचानक से कहां गायब हुए? अब आती है बात
कि आखिर कई जो वहां के पूर्व अधिकारी हैं आर्जिकल हॉस्पिटल के, वो तो अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि क्लेम्ड और अनक्लेम्ड बॉडी का प्रचार होता था, सेक्स रैकेट चलता था, ऑर्गन ट्रैफिकिंग चलती थी आर्जिकल हॉस्पिटल में 2021 से लेकर 2024 तक में सबसे ज्यादा बच्चा पैदा होने के बाद मरा है, बच्चे सबसे ज्यादा मरे हैं, जो भी लेकर जाता था अपने बच्चों को ट्रीटमेंट करवाने के लिए वहां पर बच्चे 10 दिन 12 दिन में मर जाते थे, एक मामूली से जॉन्डिस में भी वहां पर बच्चे मरते थे, उसके बाद फिर अननोन लोगों को, भिखारी टाइप से के लोगों को हॉस्पिटल में आने की अनुमति थी, वो लोग जो बायो जो सारे चीजें होती हैं उसका वेस्ट, बायो वेस्ट का स्कैम चल रहा था, तो ये सारी चीजें तो खुद वहां के पूर्व अधिकारी दूध का दूध और पानी का पानी कर रहे हैं। अच्छा, आपको याद होगा अंजू जी कि मैंने कितनी बार आपके सामने कहा है कि 4 नंबर ब्रिज तोपसिया के नीचे खुले आम गांजा का खरीद फरोख्त होता है, खुले आम। कोलकाता के हल्दीराम के आगे एक स्पेस टाउन बोल करके एक अपार्टमेंट है, उसमें नई नई करके भी 10-12 क्रिमिनल्स रहते हैं छुपे हुए, और वो अंदर से बैठ करके पुराने कंप्यूटर से और पुराने मोबाइल से वो सारे राष्ट्रवाद महिलाओं को मलाइन करते हैं। हम क्यों ना माने कि वो टीएमसी के मशीनरी है, क्यों छुपा हुआ है वो लोगों को मलाइन करता है अपनी आइडेंटिफिकेशन छुपा करके, वो लोगों को मलाइन करता है, उसके फोटोज एडिट करता है अपनी आइडेंटिफिकेशन। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें आपने देखा नाजिया खान जी ने कैसे ममता सरकार को एक्सपोज किया जो लगातार अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है, वही ममता जिसकी टीम लगातार सबूत मिटाने की कोशिश कर रही है, और वही ममता बनर्जी जो आजकल सीधा सीधा प्रधानमंत्री मोदी को चेतावनी और धमकियां दे रही है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और अगर आपको नाजिया खान जी की बातें और इनका इंटरव्यू पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट दमदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।